हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स एन सी साइंस का चैप्टर वन फूड वेयर इट कम फ्रॉम तो इसके हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे एन के भी और कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स तो पहला क्वेश्चन है मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम ए विद कॉलम बी तो ये आपकी बुक में दिया हुआ होगा जो कॉलम ए है कॉलम बी मैंने डायरेक्ट किया हुआ है इसमें तो देखिए फर्स्ट वाला पॉइंट है मिल्क कर्ड पनीर और घी ये किस मतलब कैसे बनते हैं मिल्क किससे मिलता है हमें एनिमल से मिलता है काव से बफलों से कॉट बनती है की उसी से पनीर बनता है और उसी से घी बनता है तो ये सारे के सारे एनिमल प्रोडक्ट्स हैं तो इसलिए इसको हमने मैच किया हुआ है कॉलम बी से कि ऑल आर एनिमल प्रोडक्ट्स फिर नेक्स्ट है स्पिनच कॉलीफ्लावर और कैरेट ये क्या है ये तो सारे के सारे वेजिटेबल्स हैं इसलिए इसको वेजिटेबल से मैच किया हुआ है फिर नेक्स्ट है लायन एंड टाइगर तो ये तो क्या होते हैं ये कार्निवोर्स होते हैं और ये दूसरे एनिमल्स को खाते हैं तो ये ईट अदर एनिमल्स फिर फोर्थ है हर्बीवोर्स तो जो हर्बीवोर्स होते हैं वो प्लांट्स खाते हैं या फिर प्लांट के दूसरे प्रोडक्ट्स खाते हैं तो इसके सामने आएगा ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स फिर नेक्स्ट फिलप्स का क्वेश्चन है तो टाइगर इज अ कान्निवोस बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट तो जो सिर्फ एनिमल्स खाते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं वो कान्निवोर होते हैं तो टाइगर एक कार्णीवोर है क्योंकि वो जानवरों का मीट खाता है फिर नेक्स्ट है इसमें डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स एंड सो इज कॉल्ड हरबीवोर तो डियर सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाता है इसलिए इसको हम हर्बी वोर बोलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट है कैरेट ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट सॉरी कैरेट नहीं पैरट सॉरी पैरट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट के प्रोडक्ट खाता है इसलिए वो भी एक हर भी बोर है फिर डी है द मिल्क दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम कावस पे फ्लोज इन गोड्स इज इन एनिमल प्रोडक्ट एनिमल प्रोडक्ट है क्योंकि एनिमल से हमें मिलता है फिर नेक्स्ट है वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर केन जो गन्ना होता है ना उससे हम लोग शुगर बनाते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स आ गए हैं इसमें तो पहला क्वेश्चन है डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड तो आपको क्या लगता है कि सारे जो लिविंग बींग्स हैं मतलब जो जैसे इंसान हो गए जानवर हो गए ये सारे के सारे लिविंग बींग्स होते हैं तो क्या इनको एक तरीके का खाना चाहिए होता है तो अभी हमने देखा कि डियर तो क्या सिर्फ प्लांट्स प्रोडक्ट्स खाता है और जो जैसे टाइगर होता है वो तो दूसरे जानवरों को खाता है तो इसका आंसर होगा नो क्योंकि सारे के सारे लिविंग बींग्स एक तरीके का खाना नहीं खाते तो नो ऑल लिविंग बींग्स डू नॉट ईट सेम काइंड ऑफ फूड नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम फाइव प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट हमें पांच प्लांट्स के नाम बताने हैं और वो पार्ट्स बताने हैं जिनको हम खाते हैं तो द फाइव प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट आर पहला पैडी तो उसका हम सीड खाते हैं पेडी को आप राइस भी बोल सकते हैं जैसे चावल हिंदी में बोलते हैं और नेक्स्ट है दे देखिए वीट वीट जो होता है उसका भी जो हम सीड खाते हैं उसका बीज खाते हैं फिर मस्टर्ड प्लांट जो होता है उसका भी हम सीड और उसकी लीव्स भी खाते हैं ब्रिंजल जो होता है उसका हम फ्रूट खाते हैं मतलब ब्रिंजल का जो होता है ना वो फ्रूट होता है पोटैटो में क्या होता है पोटैटो की हम स्टेम खाते हैं फिर नेक्स्ट है क्योंकि पोटैटो तो बुरा एक ही होता है ना तो पूरी की पूरी वो एक्चुअल में स्टेम होती है उसकी नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ फूड फूड के मेन सोर्सेज क्या होते हैं द मेन सोर्सेज ऑफ फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स जो भी हम खाते हैं वो या तो प्लांट हो प्रोडक्ट होता है या फिर एनिमल प्रोडक्ट होता है ना तो मेन सोर्सेज ऑफ फूड यही दोनों होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन हर्बी वोर तो हर्बी वोर क्या होता है वो हमको डिफाइन करना है अब देखिए हमने एन सी आर टी के क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लिए अपने अब जो हम चैप्टर समझने के लिए हमें क्वेश्चन पढ़ने इंपॉर्टेंट हैं वो देखते हैं तो हर वोर क्या होता है एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हरबी वोर ऐसे जानवर जो सिर्फ़ और सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं वो हरबी वोर होते हैं जैसे कि काव हो गई गोट हो गई ये सिर्फ और सिर्फ ग्रास और दूसरे प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं इसलिए ये हर वोर होते हैं नेक्स्ट है डिफाइंड कार्निवोर तो कार्निवोर क्या होते हैं एनि एनीमल्स विच ईट ओनली अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर ऐसे जानवर जो सिर्फ दूसरे जानवरों को खाते हैं वो होते हैं कार्निवोर्स इसका एग्जाम्पल है लायन टाइगर और लायन टाइगर वुल्फ ये हो गए फिर ओमनी को हमें डिफाइन करना है तो ओमनी ऐसे जानवर होते हैं जो जानवरों को भी खाते हैं और वो प्लांट के प्रोडक्ट्स भी खा लेते हैं जैसे कि इसका एग्जाम्पल है डॉग बियर तो एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनी वोर तो ये दोनों तरीके के प्रोडक्ट्स खा लेते हैं फिर हमें इन्ग्रीडियंट्स को डिफाइन करना है इन्ग्रीडियंट्स क्या होते हैं देखिए जो भी हमारे आइटम्स यूज किए जाते हैं खाने को प्रिपेयर करने के लिए उनको हम इन्ग्रीडियंट्स बोलते हैं तो थिंग्स यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स आर नोन एज इन्ग्रीडियंट्स नेक्स्ट है वाई डू वी नीड फूड हमें खाने की ज़रूरत क्यों होती है तो उसका आंसर हो गया जाएगा फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू वेरियस थिंग्स खाना हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारे बहुत सारे काम करने के लिए इट हेल्प्स आर बॉडी टू ग्रो एंड रिपेयर इट सेल्फ हमारी बॉडी में जो ग्रोथ होती है हम जो बीमारियों से ठीक हो पाते हैं वो हम खाने की हेल्प से ही हो पाते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट है इट हेल्प्स आर बॉडी टू फाइट डिजीजेस तो ये हमारी बॉडी की हेल्प करता है बीमारियों से लड़ने के लिए फिर नेक्स्ट है Uh, हाँ हो गया हमारा ऑलमोस्ट ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है सो थैंक यू सो मच जितने भी इम्पॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन थे वो सारे के सारे ये वाला जो क्वेश्चन है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है देखिए वेयर डू वी गेट मिल्क फ्रॉम कहाँ से लेते हैं काओ से एनिमल से लेते हैं ना काओ बफल्लो और गोट से और नेम टू प्रोडक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम मिल्क तो ये हम लोग कर ही चुके थे इसलिए मैंने फिर इसका आंसर नहीं लिखा है तो दो प्रोडक्ट्स जो हमें मिलते हैं मिल्क से हम लोग घी बना सकते हैं चीज़ बना सकते हैं बटर पनीर काफ़ी सारे प्रोडक्ट तो बटर और पनीर लग सकते हैं आप, तो हो गया हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट, थैंक यू सो मच